नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये रिलायंस के ऊपर अपडेट है, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न मुझे दिखा है ये मैं आपको अभी बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि वीकेंड पे शायद फिर ये शायद गाड़ी मिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम बचा है। ये दिख रहा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसने इसका ब्रेकआउट भी दिया था, बट 2800 का इसने लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। दोबारा से आके इस ट्रायंगल के अंदर घुस गया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के अंदर घुस गया, तो इस पैटर्न को जैसे ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, नीचे की तरफ डायगोनल लाइन, तो अगर ये इसमें ब्रेक होता है भैया, ध्यान से सुनिएगा, इसके पास कितने दिन है, 1, 2, 3, 4, मुझे नहीं लगता 4 दिन, फ्राइडे तक ही गेम हो जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी रेंज में रिलायंस रह नहीं सकता, ठीक है। इसे देखिए, नीचे सपोर्ट कहाँ लिया इसने, 2615, और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ लिया इसने, 2670। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए 2670, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, और 2615 ये इसका ब्रेकडाउन लेवल। इसके ऊपर जाएगा तो दोबारा से भैया 2800 की तरफ जाएगा, 2670 के नीचे जाएगा। 2615 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट इसका 2560 क्या है, 2560 के नीचे भी जाएगा तो 2520। बस ये चीज है रिलायंस में जो कि आपको ध्यान देनी है। ये पूरा क्लियर चार्ट लगाइए यहाँ पे, अगर आप कोई ये चीज दिख रही होगी, यहां से ये लो पकड़िए, ठीक है। ये पैटर्न पूरा ऐसे ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा लंबाई ले लीजिए इसको, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल पुराने वाले, ठीक है, 2670 यहाँ से, जो कि आपका अप्रैल में भी काफी मुश्किल हुई थी इसको 2670 क्रॉस कर, पर जब भी 2670 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, इस बार भी गया तो 2800 की तरफ गया, बट दिक्कत क्या आ रही है, 2800 के ऊपर क्लोज नहीं करता। यहाँ भी इसे दिक्कत हुई 2800 के ऊपर क्लोज करने में, यहाँ भी इसे 2800 के ऊपर क्लोज करने में दिक्कत हुई, बट अब की बार ये दोबारा से 2670 के ऊपर निकलता है, अटेम्प्ट लेता है, तो इस बार ये 2800 के ऊपर क्लोज करके 3000 की तरफ जाने का दम रखता है, ठीक है। पर ध्यान से सुनिएगा, लोग पूरी वीडियो देखते नहीं, इन केस कोई भी क्लोजिंग इसकी 2615 के नीचे आती है तो भैया नीचे के घर खुल जाते हैं। सबसे पहला टारगेट 2560 है, जो मैंने अभी आपके सामने एनालिसिस करके शेयर किया है, 2560 और नीचे की तरफ, और फिर दूसरा टारगेट 2520 के आसपास। ये दो टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। तो 100-150 पॉइंट आपके ऊपर की तरफ है, 100-125 पॉइंट आपके नीचे की तरफ है, ब्रेक डाउन का लेवल है 2615, ब्रेकआउट का लेवल है 2670। बस रट लीजिए इनको, जब जब ये 2670 के ऊपर निकले गाड़ी बाय की बाय करिए, बाय की गाड़ी में बैठिए, 2615 पे निकले सेल साइड की गाड़ी में बैठिए। ये है आपका रिलायंस, नजर बना के रखिएगा, बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, पैसा बनाने वाला पैटर्न बना हुआ है। थैंक यू, लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए।